लाइव हर जुर्म का पर्दा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन सके इसलिए आगामी भाजपा की सरकार के लिए घोषणा पत्र बनाए जाने के लिए व्यापारियों, उद्योग बंधुओं, युवाओं, बेरोजगारों, सैनिकों और महिलाओं के विचार को जानने मऊ जनपद पहुंची और उनके विचार को पेटी में इकट्ठा कर आगामी संकल्प पत्र को बनाने के लिए सभी सुझाव को इकट्ठा कर पार्टी कार्यालय के लिए ले गई। इन सभी के सुझावों के अनुसार घोषणा पत्र बनाकर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत जल्द ही जारी करेगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इस मिशन को लेके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संकल्प पत्र को, जिसको आप घोषणा पत्र भी बुलाते हैं, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि जन भावनाओं को समावेश करके ही सरकार की नीतियाँ बने। इसी वजह से नीति आयोग बनाया गया था। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाने से पहले जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 10 दिन से ये जो हमारा प्रयास चल रहा है कि हम हर न्याय पंचायत तक पहुंचकर लोगों के सुझाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। पेटियां घुमाई जा रही हैं हज़ारों, और इनमें लोग अपने अपने विचार डाल रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचा गया कि क्यों ना खुद प्रत्यक्ष भी जाकर मुख्य मुख्य नगरों में, जिलों में हम लोग संवाद करें विभिन्न सामाजिक संगठनों से और देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। इसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं संकल्प समिति उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भी गोरखपुर और मऊ आने का निर्देश हुआ था। मैं कल गोरखपुर थी, आज मऊ। ये मऊ में मेरे सामने जो लोग आए, ज़्यादातर क्योंकि 80% लोग यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, बुनकर हैं, तो कई बुनकर संगठन आए और यहाँ उद्योग बंधु के भी लोग आए और उन्होंने अपने बहुत सुंदर विचार हमें प्रस्तुत किए हैं। कुछ जो उनके विचार हैं वो हमारी पॉलिसी में पहले से हैं, उनको लागू सख्ती से करने की आवश्यकता है। कुछ अच्छे नए विचार आए हैं, मुझे लगता है इन सब ने बहुत ही सरलता से, अच्छे से अपने बिंदुओं को लिखकर भी पेटी में डाला है, मुझको बता।